हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा आईटेल P55T फ़ोन है, तो P55T फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में बैक बटन्स को कैसे चेंज कर सकते हैं अपने आईटेल P55T फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और फ़ोन में बैक बटन्स को आप कैसे लगा सकते हैं अपने आईटेल फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि बैक बटन चेंज कैसे करें और कैसे लगा सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आप देख सकते हैं आइकन शो हो रहा है जिसमें सेटिंग्स पे जाना है, और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो फ़ोन में बैक बटन्स कैसे लगा सकते हैं आईटेल फ़ोन में, तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है जिसमें से आप देख सकते हैं। सिस्टम सेटिंग्स पे जाकर सिस्टम नेविगेशंस पे जाना है, तो सिस्टम नेविगेशंस पे जाकर बैक बटन्स को लगा सकते हैं और सेट कर सकते हैं। सिंपली देख सकते हैं कि जहाँ से आप गैजेट नेविगेशंस पे क्लिक करना है, तो गैजेट नेविगेशंस को जब आप ऑन करते हैं तो फ़ोन में बैक बटन्स लगा पाएंगे और बैक बटन्स को आप चेंज कर सकते हैं। बैक बटन शो नहीं करेंगे क्योंकि हमने हटा दिया है, और इस तरीके से बैक बटन्स को आप चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो बैक बटन्स को अपने वापस अभी चेंज कर पाएंगे। हाइडिंग बटन्स को हटा के आप बटन्स को शो कर सकते हैं और लगा सकते हैं। तो जिस तरीके से बैक बटन्स को आप लगा पाएंगे एंड आप चेंज भी कर सकते हैं। और आप चाहें तो मोर सेटिंग्स पर जाकर यहाँ से देख सकते हैं कि आप यहाँ से बटन्स की डायरेक्शंस भी चेंज कर सकते हैं लेफ्ट एंड राइट साइड में, जिसका आप यूज़ कर पाएंगे उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ़ोन में बैक बटन चेंज कर सकते हैं अपने आईटेल P55T फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें।